गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बैकपैक एंड आई और मैं हूँ जीत। कल सनसेट और ब्लू सिटी घूमने के बाद फोक डांस वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त था हॉस्टल में और उसके बाद तो बस सो ही गए थे और आज अभी निकले हैं। बाकी लोग तो सब निकल गए अपने अपने रास्ते, चेकआउट था कि इन लोग कुछ लोगों का, तो मैं अभी अकेले निकला हूँ घूमने के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट। बट उससे पहले हम चलेंगे घूमने के लिए क्लॉक टावर, जो कि यहाँ का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और उसको वो घंटा घर के नाम से भी जाना जाता है। उसको बनाए थे महाराजा सरदार सिंह बिटवीन 1880 to 1911 और उनके नाम से वो टावर के पास जो मार्केट है सरदार मार्केट भी जाना जाता है और वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने का चीज़ मिल जाता है और मार्केटिंग वगैरह करने के लिए बहुत सारी चीज़ मिल जाता है। तो अभी चलेंगे वहाँ पे और देखेंगे वो मार्केट और द क्लॉक टावर। वहाँ पे और एक शाही समोसा बोल के एक दुकान है, बहुत सारे लोग बोले थे कि वहाँ का कचौड़ी और समोसा ज़रूर ट्राई करना और ख़ास करके बहुत धूल है भाई, मिर्ची बड़ा वहाँ का ट्राई करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन आया था मेरे को, तो सुबह गया था मैं और समोसा तो खाया था और ज़बरदस्त था। और अभी जाऊंगा वहाँ पे मिर्ची बड़ा भी ट्राई करूँगा और उसके बाद चलेंगे अपन मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, हॉस्टल के पास ही था। ये देखे गए तो अगर आप जोधपुर आते हैं तो शाही समोसा का मिर्ची वड़ा ट्राई करना, इससे रिकमेंडेशन। और अगर आप राजस्थान आते हैं, यहाँ का एक बेस्ट डिश है जो कि है लाल मांस, पर जब से मैं आया हुआ हूँ तब से देख के ही डर रहा था खाने के लिए, क्योंकि वो इतना स्पाइसी दिखता है ना, रेड दिखता है, मैं ट्राई नहीं कर रहा था। बट जैसे कि उदयपुर में था तो पहली बार वहाँ पर ट्राई किया मैंने और तो टेस्ट था बहुत जवाब, बहुत लाजवाब था, इसलिए कल भी जोधपुर में मैंने यहाँ पे फिर से ट्राई किया और टेस्ट बराबर सेम था और बेहतरीन था। तो कभी भी आते हैं आप लाल मांस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाल मांस मीठी है, मतलब मटन ही है, बट एक ख़ास तरीका का मिर्ची से बनता है वो, इसके वजह से उसका कलर जो है बहुत रेड होता है और उस वजह से उसका नाम रहता है लाल मांस, बट इतना स्पाइसी नहीं रहता है, रोटी के साथ आप खा सकते हैं। वो रहा शाही समोसा। बहुत भीड़ है भाई। तो भाई ये है मिर्ची बड़ा, अभी खा के टेस्ट करते हैं और बताते हैं। मिर्ची का तीखापन नहीं है, बस इसके अंदर जो आलू का स्टफिंग है बेहतरीन है वाकई में, जो जिसने भी बोला था ट्राई करने के लिए थैंक्स टू हिम, और काफ़ी अच्छा है, आप लोग को भी ट्राई करनी चाहिए। तो फटाफट खाता हूँ फिर मिलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पर। तो गाइस मिर्ची बड़ा तो भाई ज़बरदस्त था, मतलब शाम को और एक बार जाऊँगा खाने के लिए मैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये ट्रैवल ब्लॉगिंग छोड़ के ये क्या कर रहा है खाना पीना, बट सम व्हाट समवेयर आई थिंक ट्रैवल और फूड बहुत सारे इंटरलिंक, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो खाना तो खाएंगे ही, और अगर आप खाने कहीं निकलते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं तो वैसे फूडी हूँ नहीं, बट कहीं कुछ अगर अच्छा दिख जाए तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ भाई अगर इधर जा रहे हो तो खा लेना, और अगर मेरे को अच्छा लगा है तो आई गारंटीड कि आपको भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ खाने को लेके। तो अभी बस चढ़ ही रहा हूँ यहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए, जिस रास्ते से हम लोग कल गए थे ब्लू सिटी और सनसेट पॉइंट पे, कुछ इस वाले रास्ते पे। तो गाइस अगर आप जोधपुर आते हैं तो आप क्लॉक टावर के आसपास के एरिया में रह सकते हैं,
हॉस्टल वगैरह तो बहुत है अगल बगल में. इफ़ यू आर सोलो और यूथ यू कैन स्टे देयर. और फैमिली के लिए भी शायद आपको यहाँ पे होटल्स मिल ही जाएंगी. इसका बेस्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो बेस्ट थिंग ये होता है कि मेहरान फोर्ट का जो व्यू है रूफटॉप से आपको दिख जाता है और आपको पास में ही दिख जाता है. थोड़ा सा चढ़ाई कीजिए करिए और आप मेहरानगढ़ फोर्ट पे पहुंच जाते हैं और उसके ठीक उस पार है ब्लू सिटी. तो आपको ज़्यादा मतलब टैक्सी वगैरह में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस एरिया में रहते हैं. बच्चे नहीं शैतान है ये. शैतानी तो होते हैं बच्चे. शाबाश. फाइनली गाइस आई हैव रीच्ड. ये तो कल आप वीडियो में देखे ही होंगे थोड़ा बहुत बट आज अंदर से देखेंगे. गाइस आन पड़ी है एक प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कुछ ये है कि मैं एंट्री करने ही वाला था और दे आर नॉट अलाउिंग द गिम्बल इनसाइड. मैं बोला यार गिम्बल आप रख लो यहीं पे नहीं तो मैं बैग में डाल देता हूँ. तो बोलते हैं कि नहीं आप इधर नहीं रख सकते और बैग में रखेंगे तो बैग में हम लोग चेक करेंगे तो बैग में होगा तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे. मैं बोला यार फिर क्या किया जाए. मेरे को ये नहीं समझ में आता यार कैमरा अलाउड करते हैं गोप्रो भी अलाउड करते हैं बट गिम्बल अलाउड नहीं करते हैं. गिम्बल से क्या दिक्कत है इन लोगों को. बहुत जगह पे ऐसे मतलब गिम्बल को लेके थोड़ा तूतुमे में हुआ था. तूतुमे में मतलब मना किए थे बट देन देर अलाउड बट यहाँ तो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं. अब मैं तो आया हूँ अकेले क्या करूँ. अभी सोचता हूँ फिर वापस आता हूँ देखते हैं क्या करते हैं. तो गाइस एंट्री तो मिल गई. थोड़ा जाके रिक्वेस्ट किया यार. मैं बोला कि यार अकेले आया हूँ अब क्या करूँ अब वापस चला जाऊँ क्या. तो बोलते हैं ठीक है एक काम करो गिम्बल जो है आप अपने बैग में रख लो फिर आप चले जाओ बट प्रॉमिस करो कि यूज़ मत करना. मैं बोला नहीं नहीं यूज़ तो नहीं करूँगा. फिर मैंने उनसे पूछा कि यार ये आप जब कैमरे अलाउ करते हो तो गिम्बल से क्या दिक्कत है. तो वो कुछ वैलिड रीज़न भी बताए उसका कि एक बार क्या हुआ था ना एक बंदे ने गिम्बल पकड़ के ऐसे ही रिकॉर्ड करते करते जा रहा था सेल्फी स्टिक से नॉट गिम्बल. तो वो इतना मतलब कैमरे को देख के इतना मतलब उसके अंदर चला गया था कैमरे के अंदर देख ही नहीं रहा था कि कहाँ चल के जा रहा है और ऐसे चलते चलते गिर गया और उसका मौत हो गया वहीं पे. तो उसके बाद से सेल्फी स्टिक के साथ गिम्बल को भी बैन कर दिया गया यहाँ पे. तो आई थिंक उसी रीज़न से बहुत सारे फोर्ट पे भी मना कर देंगे गिम्बल के लिए. तो गाइस घूमना अच्छा लगता है सबको. फ़ोटो वगैरह लेना भी सबको अच्छा लगता है बट बी केयरफुल. जान से ज़्यादा सबसे अच्छा और कोई चीज़ नहीं होता है दुनिया में. तो पहले अपना ख्याल रखें फिर बाकी सब करें. जान रहेगा. देखने को मिलेगा तो चलते हैं फिर वहां पे.
सा महल है? कौन सा? और नीचे जो था शीश, अच्छा वो शीश महल था। वाह गाइस, ये है फूल महल। तो गाइस ये मेहरानगढ़ फोर्ट पे जीप लाइन का टूर भी आप कर सकते हैं। इसका चार्जेस है 2000 रुपये और 6 लाइन है यहाँ पे, और 6 लाइन में करने के लिए आपको सिर्फ 2000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि टोटल 1600 मीटर आप कवर करेंगे जीप लाइन के थ्रू। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये 5 बजे बंद हो जाता है। तो गाइज़ ये था मेहरानगढ़ फोर्ट। ट्रूली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च किया ही नहीं था इसके बारे में। बस लिस्ट में था और आ गया मैं। मैंने कुछ ना गूगल इमेज में कुछ ना इसका इंटीरियर देखा था, ना कुछ भी पढ़ा था इसके बारे में। बहुत ही शानदार था। और कल जाएंगे हम लोग उम्मेद भवन, जो कि कुछ वहाँ पर है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो और आपको भी देखने को मिले। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।